आए थे इनके दोस्त लोग 9:30 बजे के करीब। सब साथ में पी रहे थे, खा रहे थे, और फिर रात हो रही थी, तो हम बोले हस्बैंड को कब जाएंगे, तो बोले तुम जाओ सो बच्चों के साथ, इन लोग चले जाएंगे। फिर हम लोग करीब 11:30 बज गया, तो हम लोग सो गए, फिर इन लोग भी खा पी के सो गए। फिर अचानक से 1:30 बजे के लमसम बहुत ज़ोर से आवाज़ आया, तो हम लोग उठ के आए। जैसे उठ के आए दरवाजे से दोनों लोग उतर के जा रहे थे, कौन लोग थे इनको पहले से जानती हैं, पहले आते नहीं रहते थे? दूसरी बार आए थे, एक बार होली में आए थे और एक बार ऐसे आए थे, कुछ पैसा वैसा दिए थे ज़मीन के लिए उनको, तो ज़मीन थोड़ा सा वो सही नहीं था, तो उस विषय में हम लोग इनकार कर दिए थे, तो इसी में पर्पस से सब आ रहे थे। कहाँ का जमीन था भाभी, कितना अब ये तो मैं हम खुद पैसे भी नहीं का, दे, क्या 4 लाख था कुछ था। आप लोगों ने दिया था? हाँ दिए। और तो इससे पहले किसी से उनका किसी से विवाद हुआ, कुछ हुआ था? नहीं 2-3 महीना पहले हुआ था, एक ही रहे हैं, डॉक्टर से हुआ था काफ़ी, वो उनसे भी केस मुकदमा भी हुआ था, गाली गलौज हुआ था फ़ोन पे, वो भी धमकी बहुत थी दिए थे, तुमको लंका पे रहने नहीं देंगे काम, लेकिन फिर भी हम लोग भी केस वगैरह किए थे, और हम लोग उनके घर पे गए थे तो गुंडों को ही बुलाए थे जान से मारने की, तो हम 4 लोग को गुंडों को बुलाए थे। अमर सिंह नामक व्यक्ति जो रोहतास बिहार के रहने वाले हैं, परिवार समेत ही रविंद्रपुरी थाना भेलू के अंतर्गत किराए के मकान में रहते थे, और मालवीय चौराहा और आसपास दवा की दुकानों पर और इस तरह से मरीजों का सहयोग करना और इस तरह से कुछ कमीशन का भी कार्य इनके द्वारा किया जाता था। कल रात्रि में, जैसा कि इनके पत्नी का भी कहना है कि दो लोग जो इनके मित्र थे अक्सर इनके घर आए जाता करते थे, रात बैठ करके ये लोग अपने ड्राइंग रूम में कुछ खाए पिए हैं, और उसी खाने पीने के दौरान इनमें तकझक हुआ है, और उसी में से जो दोनों मित्र इनके आए थे किसी के द्वारा इनको पीछे से गोली मारी गई और इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और ये एक्सपायर कर गए। कुछ ज़मीन भी बात है इन्होंने, अभी ऐसा इनकी पत्नी से भी बात नहीं हो पा रही है, चूँकि वो दुखी स्थिति है उनकी, रो रही है, लेकिन ये बात आ रही है कि कहीं इन्होंने ज़मीन ले खरीदने के लिए कहीं किसी को पैसा वगैरह दिया था, और कुछ इनका जहाँ पर जो धंधा पेशा था उसमें भी हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा परिवार नॉर्मल होता है तो हम लोग इसको वर्कआउट कर लेंगे, और निश्चय ही इनके जानने वाले मित्र दोस्तों के बीच के ही मामला है, क्योंकि ड्राइंग रूम में बैठ के खाना पीना और ये बाहरी आदमी नहीं कर सकता है, और पत्नी का ये भी कथन है कि अक्सर हमारे यहाँ ये लोग आ जा करते थे, उनके मित्र थे, इसको हम लोग आज से कल तक वर्कआउट कर लेंगे।